नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2021 में जो एग्जाम होने वाला है, 7 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है 2021 सैनिक स्कूल के पेपर से रिलेटेड जो 7 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो। हमारी एक बहुत बड़ी टीम अभी ऑनलाइन बैठी है जो आपके एक एक सवाल का जवाब देगी, आपकी पूरी मदद करेगी, आपको गाइड करेगी, ताकि आपको एग्जाम के दौरान आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो आइए देखते हैं। और सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो कब कंडक्ट किया जाएगा। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं जो 2021 से रिलेटेड पेरेंट्स, जो 40 ऐसे क्वेश्चन जो पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि संडे को, 7 फरवरी को संडे के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ठीक है जी, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। इस बार कोरोना की वजह से जनवरी में एग्जाम ना होकर के फरवरी में कंडक्ट हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार। दूसरा क्वेश्चन, क्लास 6 और क्लास 9 का जो पेपर है वो कितने बजे कंडक्ट किया जाएगा, टाइमिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 6 का जो पेपर है वो 2.5 घंटे का होता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा। और 9th क्लास का जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है, तो वो पेपर आपका सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, पेपर का मोड क्या है, ठीक है जी। तो पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, पेन पेपर मोड पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। हम लोग जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कराते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम, जो अब ऑनलाइन होने लग गए हैं। तो आपका बच्चा आने वाले 10 से 15 साल के लिए तैयारी कर रहा है, आने वाले फ्यूचर की तैयारी कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो स्कूल में तैयारी करवाते हैं उसमें हम बच्चे को ऑनलाइन भी तैयारी करवाते हैं, ऑफलाइन भी तैयारी करवाते हैं। हर संडे बच्चों का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हर संडे, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस बने, 2 घंटे 3 घंटे बच्चे को बैठने की प्रैक्टिस हो। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, क्लास 6 का जो एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट कवर होते हैं, मैथ्स, जीके, इंग्लिश जिसको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, और आपका इंटेलिजेंस जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। मैथ्स में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। जीके में, इंग्लिश में और रीजनिंग में आपके 25-25 क्वेश्चन होते हैं जो आपके 2 नंबर के आते हैं। यानी टोटल जो आपका पेपर है वो आपका 300 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है। और अगर ऐसी बात करें 9th क्लास का एग्जाम पैटर्न की, तो 9th क्लास में टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जर्नल साइंस, सोशल और रीजनिंग, ठीक है जी। 6th क्लास में आपका जीके आता है, लेकिन यहाँ पे आपका जर्नल साइंस अलग आता है और सोशल स्टडीज आपका अलग आता है, ठीक। मैथ्स में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, बाकी इंग्लिश, साइंस, आपका सोशल स्टडी हो गया, रीजनिंग हो गया, सारे 25-25 नंबर के आते हैं, जिसमें आपको 2-2 क्वेश्चन, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है, चाहे वो RIMC देहरादून, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र। छोटे बच्चों में, क्योंकि हम लोग तैयारी करवाते हैं 5 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो बड़े बच्चों, जैसे बैंक का पेपर होता है, रेलवे का पेपर होता है, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे जो तैयारी करते हैं उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब 6th क्वेश्चन आता है, सर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो है आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट NTSC की वेबसाइट है aisse.nta.nic.in पर जाकर के, आप ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 7419992928 पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करते हैं। हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ, तो ऑलमोस्ट ऑल 10 से 12 घंटे हम पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पेरेंट्स को एजुकेशन से रिलेटेड, आपको बता दूं कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही मतलब मजेदार काम है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम 12 घंटे हम आपको सर्विस दे रहे हैं, ताकि आपके बच्चे को पढ़ाने लिखाने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। एजुकेशन एक बहुत ही नोबल काम है, बहुत ही ज्यादा, और हमारी कोशिश ये है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीजें मिल पाए,
कम से कम फीस में, जैसे सरकार का मोटिव क्या होता है, कम से कम फीस में बच्चों को तैयारी करवाना, वैसे ही हम लोग 1 लाख से भी कम रुपए में बच्चों को तैयारी करवाते हैं, ताकि आपका बच्चा कल को सैनिक स्कूल में जाए, मिलिट्री स्कूल में जाए, आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपका बच्चा सेलेक्ट हो, आरएमसी देहरादून में सेलेक्ट हो। तो सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हमारा टारगेट, हम आपके बच्चे को तैयार कर रहे हैं। सातवें नंबर का जो क्वेश्चन आता है हमारा, सिक्स क्लास के लिए जो पेपर का मीडियम होता है वो क्या होता है? तो सिक्स क्लास में आपका बच्चा किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकता है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कैनेडा, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में आपका बच्चा पेपर दे सकता है। लेकिन नाइन्थ क्लास में पेपर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में आता है, ये आपको समझना है। तो जो छोटे बच्चे, मैं हमेशा पेरेंट्स को भी समझाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चे को तैयारी करवाओ, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि कल को आपका बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया और वहां पे वो पिकअप नहीं कर पा रहा है, वो वहां पे बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहा है, कॉम्पिटिटिव लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो आपके बच्चे को सैनिक स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, क्या हम लोग जो फॉर्म हमने भरा है, क्या हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं और हमारी फीस रिफंड होगी? तो मैं आपको बता दूं, जो आपने फॉर्म को भरा है, ना तो वो विड्रॉ हो सकता है, ना उसकी फीस रिफंड किया जाएगा। कोई भी फॉर्म जो आप भरते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, फॉर्म की फीस आपके रिफंड नहीं होती है, ना तो आप फॉर्म विड्रॉ नहीं कर सकते। पेपर दिलवाना है वो आपकी मर्जी है, आप पेपर दिलवाना चाहते हैं, नहीं दिलवाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका फीस रिफंड नहीं होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है, अगर मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त हमसे कोई गलती हो गई तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको मौका दिया गया था 21 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में आपको मौका दिया गया था, ठीक है जी, 21 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर, यानी 21, 22, 23, 24, 25 आपको 5 दिन दिए गए थे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है aisse.nta.nic.in पर जाकर के आप अपने बच्चे का फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं 11वें नंबर पे, कौन कौन सी डिटेल को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं? तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपसे, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका फादर का नाम हो गया, आपका बच्चे का नाम हो गया, सिग्नेचर हो गया, जो भी चीजें आपको दिक्कत आ रही है तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन वो कब करना था आपको? 21 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में आपको चेंजेस करने थे। 12वां क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए 2 बार पेमेंट हो गई, आपने ऑनलाइन 2 बार पेमेंट कर दी है, 1 बार नहीं 2 बार गलती से हो गई है, तो क्या वो पैसा रिफंड होगा? तो बिल्कुल वो पैसा आपको रिफंड होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप aisse@nta.ac.in पर जाकर के आप मेल कर सकते हैं, आप उनको मेल करो, आप अपना जो भी आपका पेमेंट कटा है ट्रांजेक्शन नंबर दो, अपना एप्लीकेशन नंबर दो, ट्रांजेक्शन नंबर दो, रेफरेंस नंबर दो, डेट बताओ और किस बैंक से आपका पेमेंट हुआ है वो आप बताइए, किस गेटवे के थ्रू आपका पेमेंट हुआ है, जानकारी आप मेल करो, आपको जरूर ईमेल का रिप्लाई मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। पहले से सिस्टम काफी इंप्रूव हुआ है, पहले से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, जब से एनटीए ने सिस्टम संभाला है काफी फर्क पड़ रहा है। आगे चलते हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा, 13th क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन नंबर भूल गया तो क्या करें? बहुत सिंपल है, तो आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है, aisse.nta.nic.in पर जाना है, वहां पे फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर आता है, वहां पे आपको क्लिक करना है और वहां पे आप फॉरगॉट कर सकते हैं, कुछ आपसे डिटेल मांगेगा, वो डिटेल आपको देनी है और आप अपने बच्चे का जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आप दोबारा से, कई बार ऐसा होता है, तो जो भी कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है ना, जो एप्लीकेशन नंबर है वो भूल जाते हैं, संभाल करके नहीं रख पाते हैं, जिस मोबाइल नंबर पे रखते हैं वो मोबाइल नंबर ही गुम हो जाता है, कई बार ईमेल आईडी भूल जाते हैं। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए तो हमने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमेशा हमारे साथ टच में रहो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप हमारे माध्यम से तैयारी करवाओ, फॉर्म भरवाओ, ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए। मान लो आ भी जाती है तो वो हम संभालेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है जो आपको पूरा सपोर्ट करती है। अगर मान लीजिए चाहे वो आपकी गलती से चाहे हमारी गलती से कुछ भी दिक्कत आ जाती है, बच्चे का फॉर्म में कोई भी दिक्कत आ गया, तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो हैंडल करती है, उनके साथ लगातार कम्युनिकेट करती है। और अगर आपको लगता है कि आप 1 साल अपने बच्चे को ला करके हॉस्टल में तैयारी करवाना चाहते हैं,
यहाँ पे आपका बच्चा हॉस्टल में आएगा तो एक माहौल बनेगा, बाकी बच्चों के साथ वो तैयारी करेगा पूरा 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो ये 10 से 11 घंटे का पूरा सिस्टम है जो आपके बच्चे को फॉलो करना है। शाम को 2 से 2.5 घंटे खेलने का समय मिलता है, फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो आप एक बार कॉल करो, पता करो, 7419992928 पर कॉल करके पता करो, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। अगला सवाल आता है कि एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। तो आप ऑनलाइन जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है aisse.nta.nic.in पर जाएंगे और वहां पे आपको क्या करना है, आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे। आपको पास बच्चे का एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आप जाकर के वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डाउनलोड करना नहीं आता है, या कई बार पेरेंट्स जो होते हैं उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गांव के पेरेंट्स होते हैं नहीं पढ़े लिखे, घबराना नहीं है आपको। देखिए आप पढ़े लिखे नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपने फॉर्म खुद भरा है या किसी साइबर कैफे से भरवाया, आप हमें अपना रोल नंबर दो, आप बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। हमारी टीम जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं। अब सवाल यह है कि 15वां सवाल हमारा है कि मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 01206895200। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप डायरेक्टली NTA को मेल कर सकते हैं, aisse@nta.ac.in पर आप मेल कर सकते हैं कि भैया मेरा ये रोल नंबर है, ये मेरे बच्चे का नाम है, ये बच्चे की कैटेगरी है, ये एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नाम है, ये मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और हमारे बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ऐसे केस में हम क्या करें, हमने पेमेंट करवाया था, हमारे पास प्रूफ है, आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। अब 16वां क्वेश्चन है, Whom can I contact? मान लीजिए एडमिट कार्ड नहीं आता है, इशू नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में आई एम नॉट एबल, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको इसी नंबर पे कॉल करना है, आपको मेल करना है और NTA की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। आगे अगला जो सवाल आता है कि वेयर कैन आई गेट द डिटेल्स ऑफ एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर के बारे में कैसे पता चलेगा। तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रॉपर दिया रहेगा, ठीक है जी, उसके अंदर आपको प्रॉपर दिया रहेगा कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ पे मिला है। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, जो भी आपने एग्जाम सेंटर चूज किया है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिला है, सेकंड ऑप्शन मिला है, थर्ड ऑप्शन मिला है, वो आपको एडमिट कार्ड के अंदर ही मिल पाएगा, ठीक है जी। 8वां क्वेश्चन आ रहा है, कैन आई चेंज एनी एग्जाम सिटी, क्या मैं एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकता हूँ एडमिट कार्ड मिलने के बाद। तो आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है जी, और इसके लिए आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जो भी एग्जाम सेंटर आपको दिया गया है उसके ऊपर ही आपको एग्जाम देना है, उसी में आपको पेपर दिलवाना है और उसी एग्जाम सेंटर पे जाकर के आपको पेपर दिलवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 19th क्वेश्चन आता है, आई रिक्वेस्ट टू एफिक्स माय फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड, आई रिक्वायर्ड, बिल्कुल जी, आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपको वही वाली फोटो लगानी है जो पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त लगाई थी। आपको पूरा एडमिट कार्ड अच्छे से पढ़ना है, 5 पेज का एडमिट कार्ड है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको भर के लाना है और उसमें फोटोग्राफ लगानी है, वही वाली फोटोग्राफ जो आपने पहले ऑनलाइन लगाई थी, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको लगाना है, अंडरटेकिंग पूरा भरना है, पेरेंट्स के साइन करवाने हैं और जो बच्चे का साइन है वो वहां पे जाने के बाद जो इनविजिलेटर है, जो पेपर कंडक्ट करेंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनके सामने करना है, बच्चे का साइन घर से करके नहीं लेकर के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, 20th पॉइंट क्या है, व्हाट इज द रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम सेंटर पे पहुंचने का रिपोर्टिंग टाइम क्या है। तो आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, आपको कोशिश करना है सुबह 8:20 तक, क्योंकि आपका सुबह 10 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको टारगेट करना है कि सुबह 8:20 तक आपको रिपोर्ट करना है, एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंच जाना है। 21वां क्वेश्चन है, लास्ट एंट्री एग्जाम सेंटर पे कब होगी, 7 फरवरी को पेपर है, 9:30 के बाद आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। आप जो मर्जी रीजन बोले, बहाना बताएं, आप अपना जो भी जेन्युइन रीजन दे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपको एक दिन पहले अपना एग्जाम सेंटर देख करके आना है, कहां पे है, मेरा रोल नंबर कौन सा है, मेरे को कौन सी सीट मिल रही है, कौन सा रो मिल रहा है और मुझे किस नंबर पे, रो में मेरी कौन सा कॉलम आ रहा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है,
फर्स्ट सीट पे मेरा नंबर आया, सेकंड पे आया, थर्ड पे आया, फोर्थ पे आया, फिफ्थ पे आया, आपको पहले एक दिन जाकर के बाहर चार्ट लगा होता है उसको चेक कर लेना, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं। सुबह 9:30 बजे के बाद किसी भी लड़के या लड़की को घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे आप जितना मर्जी आप जेन्युइन रीजन बताएं कि मैं लेट हो गया हूं, मैं दूर से आया था, फलाना रीजन है, ढिमकाना रीजन है। भैया आर्मी का रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको कोई भी घुसने नहीं देगा। 22nd क्वेश्चन क्या है कि जैसे ही मेरा पेपर कंप्लीट हो जाए, मेरा पेपर पहले ही कंप्लीट हो गया, तो क्या मैं पहले एग्जाम सेंटर को छोड़ सकता हूँ, एग्जाम हॉल से बाहर निकल सकता हूँ? आपको पेपर आपका चाहे 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, जब तक पूरा टाइम नहीं होता है, जब तक इन्विजिलेटर आपको अलाउ नहीं करता है, आप पेपर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ऐसे ही हमारे स्कूल में हर संडे को पेपर कंडक्ट किया जाता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, जानबूझ करके, ताकि बच्चों को 3 घंटा बैठने की प्रैक्टिस हो, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा है, क्योंकि 90% जो बच्चे हैं वो उतना तैयारी वगैरह करके आते नहीं है, उनकी इतनी आदत नहीं होती है 2-3 घंटे लगातार बैठने की। छोटे बच्चे होते हैं 6th क्लास के, 9th क्लास के, ठीक है, कई बच्चे हैं पहली बार टेस्ट दे रहे हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो ऐसे केसेस में दिक्कत आती है। तो हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, हफ्ते में 2 पेपर होते हैं, एक ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है, तो हर संडे को पेपर होना ही होना है। महीने में 8 टेस्ट होते हैं, तो आप 12 महीने में लगा लीजिए, हर महीने 8 टेस्ट बच्चे ने देना ही देना है। पेपर ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, जो ऑनलाइन पेपर होता है साथ के साथ पेरेंट्स को रिपोर्ट मिल जाती है साथ के साथ। तो जो बच्चा पूरे साल भर में 60-70 टेस्ट दे करके आएगा, तैयारी करके आएगा, वो क्यों नहीं सेलेक्ट होगा, आप मुझे बताइए। अगर सिस्टम अच्छा है, हमारे विद्यालय में 500 कंप्यूटर का लैब हमने बनाया हुआ है, ताकि बच्चों को पेपर देने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं, 23rd क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर के जाना अलाउड है, अंदर हॉल में क्या क्या लेकर के जाना अलाउड है अपने साथ। तो आप एक बॉल पेन लेकर के जा सकते हैं, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेकर के जा सकते हैं, 2 से 3 ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेकर के जा सकते हैं। पानी की बोतल जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, 1/2 लीटर की बोतल होनी चाहिए। पता चला कोई बच्चा 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल ले गया, तो 1/2 लीटर की ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जाने हैं। थर्ड नंबर पे आता है, आपको हैंड सैनिटाइजर लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे A4 साइड का, ठीक है जी, क्लियर प्रिंटआउट होना चाहिए A4 साइड का, और उसके ऊपर प्रॉपर फोटो वगैरह चिपकी हुई होनी चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ जो आपने पहले एडमिट कार्ड में लगाई थी, फोटो आपको चिपका करके लेके जाना है। और उसके बाद वैलिड आईडी कार्ड, यानी जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है जी, इस तरह का कुछ आईडी प्रूफ आपको जरूर लेकर के जाना है, वो भी ओरिजिनल, या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। 24th नंबर पे आता है, Will I be given fresh mask as the test center? क्या आपको टेस्ट सेंटर पे नया मास्क दिया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको दिया जाएगा, बट फिर भी आप अपने अपने साथ कम से कम 2 नए मास्क लेकर के जाइए। वहां पे दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपना मास्क लेकर के जाना है, आपको अपना सामान लेकर के जाना है। 25वां क्वेश्चन आता है, Should I carry some blank sheets? क्या आप एग्जाम सेंटर में रफ वर्क करने के लिए क्या ब्लैंक शीट लेकर के जाना जा सकते हैं? तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, आपको एग्जाम सेंटर के ऊपर इस तरह का कोई भी सामान लेकर के नहीं जाना है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है 23rd पॉइंट पे कि आपको क्या क्या सामान लेकर के जाना है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सामान लेकर के जाना है। इससे एक सामान भी आप फालतू लेकर के जाएंगे तो वहां पे आपको पकड़ लिया जाएगा, चेकिंग होगी, तो कहीं आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं 26th पॉइंट, क्या कैलकुलेटर लेकर के जा सकते हैं? कैलकुलेटर लेकर के जाना अलाउड नहीं होता है। 27th पॉइंट होता है, इफ आई कमिट एन एरर, मान लीजिए OMR शीट के ऊपर मैंने कोई गलती कर दी है तो क्या होगा, मैं उसे कैसे ठीक करूंगा? अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको नया OMR शीट नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको जो वहां पे ऑफिसर है, इन्विजिलेटर है, उनको आपको बताना है, जो आपके रूम में जो इन्विजिलेटर होंगे उनको आप बताइए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनके पास वाइटनर होता है, ठीक है जी, तो वो आपकी मदद करेंगे अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी। तो कोशिश करो आप कि आप पहले चीजों को अच्छे से समझो, आराम से अपना पूरा टाइम लो, 9:30 बजे आपको 9:45 से लेकर के 10 बजे तक 15 मिनट में आपको अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बाकी चीजें वगैरह डालनी पड़ती है, टेस्ट बुकलेट नंबर वगैरह, वो आपको डालने के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है जी। लेकिन आपको दूसरा OMR शीट नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि आप अंबाला नहीं आ पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, या आप TC नहीं करवा सकते हैं, आप हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं,
तो आपका बच्चा इवनिंग क्लासेस के माध्यम से घर पे बैठ करके भी तैयारी कर सकता है। ठीक है जी, इवनिंग क्लासेस के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी, गुरुकुल की तैयारी करवाई जाएगी। और जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं इवनिंग क्लासेस ऑनलाइन, तो ऐसे बच्चों का एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म भरा जाता है, बुक्स दिया जाता है, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये सब कुछ फ्री होता है, आपको प्रॉपर 1 साल तैयारी करना होता है। 28th पॉइंट, विल द क्वेश्चन पेपर बी बाइलिंगुअल और ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए, जो 6th क्लास का पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में आता है। जिसने इंग्लिश हिंदी पेपर चूज किया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने गुजराती, बंगाली, ठीक है, तमिल इस या असमी, इस तरह का कोई लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, तो आपका एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये आपको समझना है। बाकी अगर किसी ने इंग्लिश में सेलेक्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, पेपर जो है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने गुजराती में सेलेक्ट किया है तो गुजराती के साथ क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। अगर किसी ने तमिल में सेलेक्ट किया है तो भी इंग्लिश आएगा उसके साथ। किसी बच्चे ने उर्दू सेलेक्ट किया है तो उर्दू के साथ क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। आगे चलते हैं 29th क्वेश्चन, 9th क्लास का जो पेपर है क्या वो बाई लैंग्वेज यानी दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो 9th क्लास का पेपर सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश भाषा में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, डू आई हैव टू सरेंडर द एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर एट द एग्जाम सेंटर। बिल्कुल जी, जब भी आपसे मांगा जाएगा तो आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना है, और अगर वो आपसे मांगते हैं तो आपको देना पड़ेगा, आपको उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा, और अपने एडमिट कार्ड की कम से कम 8 से 10 फोटोकॉपी निकाल करके रख लीजिए। एडमिशन के टाइम काम आएगा, मेडिकल के टाइम काम आएगा, पेपर के टाइम काम आएगा। जब भी आप कहीं पे भी जाएंगे, एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एडमिट कार्ड कहीं खो गया, कोई दिक्कत होगी, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 30th क्वेश्चन क्या है, कैन आई टेक द क्वेश्चन पेपर बुकलेट विद मी आफ्टर द एग्जाम। बिल्कुल जी, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, आपको दिया जाएगा, आप अपने घर लेकर के जा सकते हैं। 31st क्वेश्चन क्या है, एम आई रिक्वायर टू कैरी फोटोग्राफ टू एफिक्स ऑन द अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर के लिए यू आर नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल, आपको अटेंडेंस रजिस्टर के लिए कोई भी फोटोग्राफ आपको नहीं लेकर के जाना है। आपको एडमिट कार्ड के ऊपर एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका के लेके जानी है, जैसा आपने ऑनलाइन में भरा था वही वाला। ठीक है जी, गड़बड़ मत करना, ध्यान रखना, और जो आपने ऑनलाइन एडमिट कार्ड पे फोटो लगाया था वो वाली फोटो कम से कम 10 से 15 फोटो अपने पास संभाल के रख लो, क्योंकि जब आप स्कूल में एडमिशन होगा, मेडिकल होगा, टेस्ट होगा, बार बार वही वाली फोटोग्राफ आपसे मांगी जाएंगी। बाकी अटेंडेंस रजिस्टर के लिए आपको कोई अलग से फोटोग्राफ कैरी करने की जरूरत नहीं है। 32nd क्वेश्चन क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैंने आपको बताया सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी, किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 33rd क्वेश्चन है, कैन आई टेक ओएमआर शीट विद मी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम। एडमिट का ओएमआर शीट आपको वहां पे हैंड ओवर करना है, डिपॉजिट करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर आप ला सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड आपको वहीं पे जमा कर देना है, वही तो आपका आंसर है। अगर आप वो अपने साथ ले आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड, जो आपका ओएमआर शीट है, वो आपको वहां पे डिपॉजिट कर देना है, और जो क्वेश्चन पेपर है वो आप अपने साथ ला सकते हैं। ठीक है जी, 34th क्वेश्चन क्या है, विल आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू माई रिस्पॉन्स द क्वेश्चन एंड द आंसर। विल आई गेट अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज, क्या बच्चे को या पेरेंट्स को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। अगर किसी क्वेश्चन में उनको डाउट आता है, किसी आंसर में उनको डाउट आता है, तो मैं आपको बता दूं कि एनटीए का जो भी फैसला होगा वो आखिरी फैसला होता है, आफ्टर द जब पेपर कंडक्ट होता है, उसके बाद ओएमआर शीट्स वगैरह जो है वो एनटीए की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगी, और आप अलग से फीस जमा करवा करके आप अपने बच्चे का ओएमआर शीट भी चेक करवा सकते हैं। एग्जैक्ट डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेजेस ऑफ ओएमआर आंसर शीट्स विल बी कम्युनिकेटेड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑन एनटीए वेबसाइट। तो एनटीए की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी, जो बच्चों ने आंसर शीट्स दिया है वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और नॉन रिफंडेबल अमाउंट है 100 रुपया, वो आप दे करके आप ओएमआर शीट को देख सकते हैं। आफ्टर एग्जाम एक्सपर्ट शैल वेरीफाई द आंसर की फॉर द क्वेश्चन पेपर एडमिनिस्ट्रेटेड। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आंसर की को बताएंगे, वो भी आपके आंसर की भी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाएगा,
तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। NTA विल डिस्प्ले द क्वेश्चन एंड प्रोविजनल आंसर की ऑन वेबसाइट। तो NTA जो है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो क्वेश्चन और आंसर्स को वेबसाइट पे डालेगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, फिर आप चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है। आगे चलते हैं। आप किसी विषय का बहुत ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सीखना शुरू कर देना चाहिए, इसे दूसरों से सीखना शुरू कर देना चाहिए। बहुत इजी काम है। अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्टाइज्ड हासिल करना चाहते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको उन बच्चों की संगत में आना पड़ेगा, आपको हॉस्टल में आना पड़ेगा जो बच्चे ऑलरेडी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे पढ़ते पढ़ते नॉर्मल बच्चों के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। आपको उस माहौल में जाना पड़ता है। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि उस बिजनेस में कौन टॉप कर रहा है, आपको उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा अगर आप उनके साथ सीखना चाहते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश के टीचर के साथ उठना बैठना पड़ेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो आप ऑटोमेटिकली एक्सीलेंस हासिल करते जाएंगे बाय प्रैक्टिस, बाय हुक और क्रूक आप चीजों को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो टाइम लगता है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। व्हाट इज द इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी? ये आपको समझना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होता है। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझिए। मान लीजिए इफ मोर देन वन ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में जिन बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है जी, जिन बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उन बच्चों को उसका मार्क्स दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केसेस में फुल मार्क्स, जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, फुल मार्क्स ऐसे बच्चों को दे दिया जाएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, उसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा? जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, फुल मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। तो मान लीजिए साइनिक स्कूल में किसी भी पेपर में इस तरह की सिचुएशन आ जाता है, तो इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके पेपर को चेक किया जाएगा ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम? देखिए, पहले तो आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 25 नंबर लेने हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सभी सब्जेक्ट में कम से कम आपको 40% नंबर लेना है अगर आपको क्वालिफाई करना है। और तीसरे नंबर पे आता है सिलेक्शन। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, कट ऑफ मार्क्स को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो 6th क्लास का पेपर है, 9th क्लास का पेपर है, कम से कम आपको 80% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। चाहे 6th क्लास का पेपर है, चाहे 9th क्लास का पेपर है, चाहे लड़कों का पेपर है, चाहे लड़कियों का पेपर है, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का है, चाहे RIMC देहरादून का है, आपको कम से कम 80% मार्क्स का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन विल रिजल्ट बी डिक्लेयर? सैनिक स्कूल 2021 का रिजल्ट कब आएगा? फरवरी के एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से पेपर आपका एक महीना लेट हो रहा है, ठीक है जी, एक महीना लेट हो रहा है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। एक महीना भी लेट हो रहा है और एक घंटा भी लेट हो रहा है। वैसे पेपर, सैनिक स्कूल का पेपर सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इस बार सुबह 10 बजे कंडक्ट किया जा रहा है। वैसे पेपर जनवरी में होता था फर्स्ट वीक में, इस बार फरवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, कैन आई अप्लाई फॉर रीचेकिंग माई आंसर शीट आफ्टर रिजल्ट? रिजल्ट के बाद आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो NTA का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, वो आपको भी मानना है, पेरेंट्स को भी मानना है, हमें भी मानना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, होम शुड आई कॉन्टेक्ट इन केस ऑफ एनी नीड? कोई भी आपको जरूरत पड़ती है, आप डायरेक्ट 01206895200 पे कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं aisse@nta.ac.in पर आप मेल कर सकते हैं, आपको मेल का जवाब जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आगे चलते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब, काफ़ी सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो पेरेंट्स आज वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी कोशिश क्या है, 5 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं।
बहुत ही मिनिमम फीस में, बिल्कुल लो टिकट साइज में बच्चों को तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। 1,00,000 रुपए में जिसमें आपको रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस। तो जब भी आप स्कूल आएंगे ये सारी चीजें आपको चेक करना है। अगर ये चीजें आपको स्कूल में मिलती हैं तभी आपको एडमिशन कराना है, अदरवाइज आप एडमिशन मत करवाना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है जी। अंबाला कैंट हरियाणा में आपको जरूर विजिट करना है, आप एक बार विजिट करो, दो बार विजिट करो। रागिनी चौबे जी का मैसेज, सर क्लिप बोर्ड लेकर के जा सकते हैं? देखिए क्लिप बोर्ड लेकर के जाना अलाउड नहीं है, और मैंने वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बताया है कि क्या क्या चीजें आप लेकर के जा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को पीछे करके ध्यान से देखिए, ठीक है जी। और अगर आपके पास सैनिक स्कूल की बुक्स नहीं है क्लास 6th और क्लास 9th के लिए, तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 15 बुक्स का सेट आपको मिलेगा जिसके अंदर 40 सैंपल पेपर होंगे और ओएमआर शीट्स आपको मिलेगी। उन ओएमआर शीट से आपको प्रैक्टिस करना है, ओएमआर शीट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको फायदा है। अगर आप एग्जाम से पहले ओएमआर शीट की प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, पेपर में आपको जरूर दिक्कत आएगी। सोनाली जी का मैसेज आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर इनवैलिड बता रहा है। अगर एप्लीकेशन नंबर आपका मिस हो गया है तो फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करके आप दोबारा से, कई पेरेंट्स हैं जो भूल गए हैं, एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं या मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, ईमेल आईडी चेंज हो गया है, तो आप वहां पे जाकर के फॉरगॉट करके कर सकते हैं। और अगर आपको करना नहीं आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मदद ले सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी, आप कॉल करो, पता करो, ठीक है जी। आकांक्षा जी का, अर्चना जी का मैसेज आ चुका है, सर 80% कितने नंबर लाना पड़ेगा सैनिक स्कूल क्लास 9th में जर्नल वालों को? 400 नंबर का पेपर है, उसका 80% लगा लो, कम से कम 340 नंबर, कम से कम 350 नंबर आपको लेकर के चलना पड़ेगा कम से कम। रानी कुमारी जी का मैसेज, सर हाइट रिक्वायर्ड फॉर आरके मिशन स्कूल पुरुलिया 148 सेंटीमीटर, आपके बच्चे की हाइट होनी चाहिए 148 सेंटीमीटर। अगर सफलता पाना चाहते हो तो 2 से 3 साल डटकर मेहनत करो, सारे शौक भूल जाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगे जिंदगी भर अपने शौक पूरे करते रहना, ये गोल्डन स्टेटमेंट है आपके लिए, मजेदार चीज है। तो देखिए अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल आपको लगे रहना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी जिंदगी बड़ी मजेदार कटेगी। मुझे याद है जब मैंने शुरुआत करी थी तो शुरू के 4 साल 5 साल बहुत मुश्किल थे, मेरे खुद के घर वाले बहुत ही क्वेश्चन मार्क्स करते थे, रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जैसे जैसे आगे सफलता मिलती गई सबका मुंह अपने आप बंद होता गया, सब अपने आप शांत हो गए, सब अपने आप पीछे हट गए। जब लोगों ने देखा कि काम लगातार बढ़ रहा है, जब लोगों ने देखा कि कैसे लाख से करोड़, करोड़ से ऊपर, जैसे जैसे काम बढ़ता गया, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता गया, बच्चे आते गए, पैसा आता गया, सिस्टम ग्रो करता गया, एक स्कूल से दूसरा स्कूल, एक कोचिंग सेंटर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जैसे जैसे होता गया, घर परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, आस पड़ोस वाले सब अपने आप शांत होते गए, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको लगातार दो से तीन साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दुनिया की आपको सुननी पड़ेगी, रिश्तेदारों की सुननी पड़ेगी, पड़ोसियों की सुननी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है जी, सुनना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद सब ठंडे हो जाएंगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुभम जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही फॉर्म निकलेगा मैं आपको वादा करता हूँ सबसे पहले वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा, मेरा आपसे वादा है। एक बच्चे का मैसेज है, आरएमएस के लिए कितनी हाइट चाहिए? आरएमएस और सैनिक स्कूल में हाइट की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। मेन होता है आपका रिटन एग्जाम, आरएमएस में आपका मेडिकल होता है, आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है जी। ये तीन चीजें आपको निकालना है, आपको मेडिकल निकालना है, रिटन एग्जाम निकालना है, इंटरव्यू निकालना है, हाइट की चिंता बिल्कुल छोड़ दो आप। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषभ यादव जी ने मैसेज किया है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, 9th क्लास के लिए आप गुरुकुल का फॉर्म भरो, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरो, ठीक है जी, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का फॉर्म भरो 9th क्लास के लिए, भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरो। पूजा कुमारी जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? देखिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी देहरादून, ये कोई आम स्कूल नहीं है, सरकार द्वारा चलाया जाता है और इंडियन आर्मी इन स्कूल्स को ऑपरेट करती है। तो आप ये मान के चले कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं। आपको टारगेट लेकर के चलना है तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। पढ़ाई बहुत ही एक्सेप्शनल होती है,
आप नॉर्मल स्कूल में भी साल का 80,000 रुपए लगाते हैं नॉर्मल स्कूल में, तो आप सैनिक स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, आप मिलिट्री स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, आप कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों? क्योंकि 50-60 हजार रुपए तो आप घर पे भी लगा रहे हो जहां पे आपका बच्चा पढ़ रहा है, कोचिंग में भी आप साल का 25-30 हजार रुपए लगा रहे हो, तो घर पे भी आपका बच्चा 70-80 हजार रुपए लगा रहा है, तो आप बोर्डिंग स्कूल में टारगेट करो, कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आपके बच्चे को हॉर्स राइडिंग करवाई जाएगी, स्विमिंग की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ठीक है जी, आपको आगे फ्यूचर के लिए एनडीए की तैयारी करवाई जाएगी। और अगर अभी तक आपने स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 31 जनवरी, कॉल करके पता करो, 31 जनवरी लास्ट डेट है स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। वैसे फीस काफ़ी ज़्यादा है, 1,40,000, 1,50,000, लेकिन वो पेरेंट्स जो स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनके बच्चों को सिर्फ 1,00,000 रुपया पे करना है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, सब कुछ आपका इंक्लूडेड होगा, ठीक है जी। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने बच्चे का 31 जनवरी से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीन चीज़ें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये तीन चीज़ें आप मुझे मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। क्या क्या कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन सा, अर्चना जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल 2020 में क्लास 9th का कट ऑफ लो क्यों था? 9th क्लास का कट ऑफ लो तो नहीं था, बिल्कुल भी लो नहीं था जी, कम से कम आपको 80% तो टारगेट लेकर के चलना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी लो नहीं था। विशाल जी का मैसेज, सर गुरुकुल का फॉर्म ऑनलाइन लगा है, बिल्कुल जी, 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, सुबह 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में पेपर कंडक्ट किया जाएगा, सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक पेपर कंडक्ट किया जाएगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र का, और अगले दिन काउंसलिंग होगी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे, आपके बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी। अगर आपका बच्चा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सेलेक्ट होता है, आपको एडमिशन फीस 20,000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा, अगले ही दिन आपको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं बोर्डिंग स्कूल में। विजय यादव जी का मैं, सर एडमिट कार्ड में थंब इंप्रेशन घर से लगा करके जाना है या सेंटर में? घर से लगा करके लेके जाना है, पेरेंट्स के साइन भी घर से करवाना है, फोटो भी घर से लगवाना है, सिर्फ बच्चे का जो साइन है वो वहां पे जाके करवाना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरेंद्र कुमार जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी दोनों के लिए क्या अलग अलग फॉर्म भरना है? बिल्कुल जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का प्रोसेस अलग है, गुरुकुल नीलोखेड़ी का प्रोसेस अलग है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 फरवरी है और 28 फरवरी को एग्जाम होगा, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में पेपर कंडक्ट किया जाएगा। अवनीत तिवारी जी का मैसेज है, कम से कम 80% टारगेट करो, कम से कम, चाहे वो 6th क्लास का पेपर है, चाहे वो 9th क्लास का पेपर है, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का, चाहे वो RIMC देहरादून है। और जिन पेरेंट्स ने अभी तक स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, 31 जनवरी लास्ट डेट है। सुनील ठाकुर जी, एडमिट कार्ड आ चुका है, बिल्कुल एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लवजीत सिंह जी का मैसेज, सर बताइए कि एग्जाम कठिन है? बिल्कुल जी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कठिन होता है भैया, हिंदुस्तान में आबादी बहुत है, 140 करोड़ हो गए हम लोग, ठीक है जी, सरकारी नौकरियां कम है, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत बहुत कम है, और एक एक जॉब के ऊपर फाइट करने वाले लाखों बच्चे हैं, ये तो कॉमन सेंस है, तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा। जितना आप हल्के में लोगे आपको हमेशा दिक्कत आएगी, आप समझ के चलो, तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है और अलर्ट होकर के चलना है, एक्टिव होकर के चलना है, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। सुनील ठाकुर जी का मैसेज, सर फीस कितना है अंबाला में? सिर्फ 1,00,000 रुपया, जिसमें आपको रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, अगर इसमें से एक भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आप एडमिशन मत करवाना। और मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक स्कूल सरकारी है, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की फीस करीब 1,50,000 रुपये है। हमने क्या मॉडल बनाया है कि आपको 1,00,000 रुपये में किसी कीमत पर आपको बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है।
एक पेरेंट्स का मैसेज है, ओक ग्रोव स्कूल कैसा है? बहुत जबरदस्त है। जितने भी स्कूल हैं सारे के सारे सरकारी हैं, फीस बहुत कम है, नॉमिनल फीस में तैयारी करवाई जाती है। रुचि त्रिवेदी जी का मैसेज, सर आधार कार्ड लेकर के जाना जरूरी है? कोई भी एक आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई भी एक आईडी प्रूफ, चाहे आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका आप आईडी कार्ड लेकर के जा सकते हैं, या आप आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं, बच्चे का कोई भी एक आईडी प्रूफ जरूर लेकर के जाइए। मैं तो कह रहा हूँ दो लेकर के जाओ। कल को मान लीजिए उन्होंने कह दिया ये आपका कुछ गड़बड़ है, वैलिड नहीं है, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? तो आप दो लेकर के जाओ, समझदारी बरतो। अंजू कुमारी जी का मैं, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एडमिट कार्ड कब आएगा? एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रुचि त्रिवेदी जी, मैं आपको मई से पहले पहले मैं आपको शूटिंग रेंज आपको अपने स्कूल में अवेलेबल करवा के दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी, हमने 500 कंप्यूटर का लैब बनाया है, हॉर्स राइडिंग है, स्मार्ट क्लासेस हैं। ठीक है जी, जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको सैनिक स्कूल में भी नहीं मिलेगा, ये आपको मिलिट्री स्कूल में भी नहीं मिलेगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और मैं आपको शूटिंग रेंज मई से पहले पहले अपने स्कूल में बना के दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इसका कोई भी फीस नहीं बढ़ेगा, फीस हमारी यही है, 4 साल 5 साल से हमारी यही फीस है। मौर्य जी का मैसेज है, क्या हम वॉच लेकर के जा सकते हैं? लेकर वॉच लेकर के जाना अलाउड नहीं है। मैंने वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया है क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के जानी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लेकर के जानी है। हरमन जी का मैसेज, सर स्पेक्टिकल्स वाले बच्चे को लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं जी, बिल्कुल चिंता मत करो। सब आजकल तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो चश्मा लगा करके ही पैदा हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, चश्मे से आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौर्य जी का मैसेज, क्रिकेट होता है? बिल्कुल क्रिकेट हो जाए जी, आप हमारे स्कूल में आइए, हम आपको दिखाएंगे। क्रिकेट की पिच बनाई हुई है प्रॉपर, क्रिकेट की प्रैक्टिस चलती है और क्रिकेट का प्रॉपर ग्राउंड है। ठीक है जी, 2.5 एकड़ में अलग से हमने क्रिकेट का प्रॉपर बनाया, पिच बनाई हुई है प्रॉपर, क्रिकेट की पिच की प्रैक्टिस चलती है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हर संडे संडे को मैच चलता है, संडे संडे बच्चे मैच खेलते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, मूवीज वगैरह चलती हैं। आगे चलते हैं, सैनिक स्कूल के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी है? देखिए इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जबरदस्त होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन जबरदस्त होना चाहिए, आपकी इंग्लिश जबरदस्त होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप तैयारी करके जाओगे आपको एनडीए के एग्जाम में उतना ईजी रहेगा, क्योंकि एट द एंड आगे चल के आपको एनडीए का पेपर देना है, आपको ऑफिसर बनना है, तो आप जितना कम एज से तैयारी करोगे आपको उतना फायदा मिलेगा, सिंपल सा फंडा है। अर्चना जी का मैसेज, सर क्या आपकी बुक्स बाय करके भी सिलेबस कवर कर सकते हैं? कर सकते हो देखो, लेकिन वही है कि अगर कोई बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है तभी वो बुक से कर पाएगा, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। अर्चना जी, अगर आप इसको हल्के में लेंगी तो आपका टाइम भी खराब होगा, बच्चे का जो चांस है वो हाथ से निकल जाएगा। मैं बार बार पेरेंट्स को समझाता हूँ, एक बार एक साल के लिए कड़वा घूट जरूर पियो। अगर एक बार आपने तैयारी कर ली तो उसके बाद आप हिंदुस्तान का कोई भी पेपर आप अपने बच्चे को आंख बंद करके दिलवा सकते हो, कोई भी पेपर। रुचि त्रिवेदी जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। ठीक है, जीके में आपका साइंस भी आता है, सोशल भी आता है, तो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। पूजा कुमारी जी, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें आपको कम से कम 6th क्लास में 230-240 नंबर लेना पड़ता है। अमन शेख जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में इस बार इंटरव्यू होगा? सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, बाकी सभी स्कूल्स में इंटरव्यू होता है। ठीक है जी, बाकी सभी स्कूल्स में इंटरव्यू होता है। मौर्य जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल अमेठी में क्रिकेट होता है? सैनिक स्कूल में भी प्रॉपर क्रिकेट की कोचिंग वगैरह करवाई जाती है, एनडीए की ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल प्रॉपर यही सिस्टम होता है। रुचि त्रिवेदी जी का मैसेज, सर आपके स्कूल का स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा? 31 जनवरी लास्ट डेट है, ऑनलाइन जाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, और जब आपका बच्चा हमारे स्कूल में आएगा, टेस्ट देगा,
75 नंबर आपको स्कोर करना है, 75 या उससे ऊपर आपके बच्चे का इंटरव्यू होगा। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का जीके आता है, आपका बच्चा अच्छा टेस्ट देगा तो आपके बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा हमारे विद्यालय में। तो रुचि जी, 2020 में हमने टॉप 51 बच्चों को फ्री पढ़ाया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। 2019 में हमने 31 बच्चों को, 2018 में हमने 11 बच्चों को। और क्योंकि आप लोग हमें पूरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कोरोना में भी हमने बहुत अच्छा काम किया, पेरेंट्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है और आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमने दूसरा स्कूल भी ओपन कर लिया है और हमारे स्कूल में बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, बोर्डिंग स्कूल बहुत ही लिमिटेड सीट्स। हमारे स्कूल की कैपेसिटी अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 800 बच्चों की कैपेसिटी है हॉस्टल में। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है और हम आपको 15 बुक्स का सेट देंगे, उससे आपको तैयारी करनी है। और अगर आपका बच्चा पेपर क्लियर करता है तो आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। सिर्फ एडमिशन फीस 20,000 लिया जाता है, बाकी पूरा खर्चा आपका फ्री हो जाता है। रानी कुमारी जी, आर के मिशन स्कूल में आपको 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, बच्चे की हाइट 148 सेंटीमीटर। विशाल जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर गुरुकुल में ही कंडक्ट किया जाता है, आपको आना पड़ेगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। जो बच्चे हमारे स्कूल में हैं उनका फॉर्म हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। एज क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पर है, चेक कर लीजिए। 2021 में अभी आरएमएस का फॉर्म रह गया है, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म अभी बचा हुआ है, जो जो फॉर्म आप अभी भर सकते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी 2022 के लिए आप एज क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल है, तो आप एज क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और चेक करके आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज आया, अगर नहीं आया तो नंबर तो पैसे गए। बिल्कुल जी अगर नंबर नहीं पड़ा तो पैसे गए नहीं, आपको अपनी पूरी फीस जमा करवा के तैयारी करवानी है ना। फ्री के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ा करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये जो फ्री वाली मानसिकता है ना, ये सबको खा जाती है, खत्म कर देती है आपके। आप ट्राई करो, कोशिश करो, लेकिन अगर आप फ्री के भरोसे ही बैठ गए फिर तो गलत है ना। टॉप 100 बच्चों को हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मान लो आप फ्री के चक्कर में ही बैठे हो और फ्री के चक्कर में एग्जाम दे रहे हो, फिर आप प्लीज फॉर्म मत भरिएगा, आपका 10,000 रुपये वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो हम आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देते हैं। लवप्रीत सिंह जी, वीडियो को पीछे करके देखिए, थोड़ा आप भी मेहनत कर लो भाई, वीडियो को शुरू से देखिए, हमने सारी जानकारी दी है एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर के जाना है। रंजू कुमारी जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में इंटरव्यू होता है, बिल्कुल होता है, मिलिट्री स्कूल में होता है, गुरुकुल में होता है, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सभी स्कूल्स में इंटरव्यू होता है, सिर्फ सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है जी, बाकी सभी स्कूल्स में इंटरव्यू होता है। वीना पॉल जी का मैसेज, 7 जून 2006 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट, 9th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति सिंह जी का मैसेज है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें सर, आज आपके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था। बिल्कुल, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 7419992928 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 31 जनवरी लास्ट डेट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये सैनिक स्कूल की तैयारी करवाने से पहले क्या क्या चेक करें किसी कोचिंग सेंटर में, अकेडमी में, स्कूल में। तो आप वहाँ पर जाइए, प्रॉपर चेक करो, क्या वहाँ पर प्रॉपर कंप्यूटर लैब बनी हुई है ऑनलाइन टेस्ट के लिए, हॉस्टल कैसे हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, मेस कैसा बना हुआ है, हॉर्स राइडिंग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, 24 घंटे डॉक्टर्स हैं कि नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा हॉस्टल में रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल, तो 24 घंटे डॉक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। खुले डुले ग्राउंड है कि नहीं, अगर ग्राउंड नहीं है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि बच्चा 1 साल 2 साल कैसे रहेगा वहाँ पे, प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है कि नहीं, काउंसलिंग वगैरह रेगुलर काउंसलिंग होती है कि नहीं। हमारे स्कूल में हर संडे को काउंसलिंग होती है, हर संडे फिक्स है, हर संडे को अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, कभी मोटिवेशनल सेमिनार होता है संडे को, कभी एनडीए से रिलेटेड, कभी सैनिक स्कूल से रिलेटेड, कभी पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, है ना।
ये सारी काउंसलिंग सेमिनार होते हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, एजुकेशनल ट्रिप होता है कि नहीं होता है, ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हैं, वॉशरूम वगैरह कैसे हैं, क्या प्रॉपर नए वॉशरूम है, साफ सुथरे वॉशरूम है कि नहीं है, तो ये चीज़ें आपको जरूर चेक करना है। प्रत्युष सिंह जी हमारे YouTube चैनल पे हर रोज शाम को 4 बजे 6th क्लास की और शाम को 6 बजे 9th क्लास की वीडियोस डाली जाती हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून की, सेंट्रल हिंदू स्कूल की, तो अगर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। सोनाली जी प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करो, एप्लीकेशन नंबर तो आपके पास होना चाहिए ना, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, आपको नोट करना चाहिए था, टाइम बहुत कम रह गया, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और या तो आप डायरेक्ट NTA के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, मेल करो, वो आपकी मदद करेंगे, बाकी आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर जो फॉर्म भरते हैं ना, हर बच्चे को एक नंबर मिलता है, अगर आपने खुद फॉर्म भरा है तो आपके पास वो नंबर होना चाहिए, अगर आपने हमारे माध्यम से भरा है तो आपको हमारी टीम आपको अवेलेबल करवाएगी, आप हमें कॉल करो। आपके बच्चे ने जो फॉर्म भरा था वो कहाँ से भरा है, कैसे भरा है, जिनके माध्यम से आपने फॉर्म भरवाया है उनके 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 पास एप्लीकेशन नंबर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि सर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून और नॉर्मल स्कूल में क्या फर्क होता है, जमीन और आसमान का अंतर होता है। सैनिक स्कूल वगैरह में स्मार्ट क्लासेस होती हैं, NTA की ट्रेनिंग होती है, SSB की ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होता है, NCC की ट्रेनिंग होती है और जो टीचिंग क्वालिटी होती है वो बहुत बहुत हाई होती है, जबकि नॉर्मल स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल टीचर होते हैं, आस पड़ोस से आते हैं, ठीक है, उन टीचर्स का लेवल भी उतना हाई नहीं होता है क्योंकि उनको नॉर्मल CBSE की पढ़ाई करवानी है, जबकि सैनिक स्कूल में NTA की ट्रेनिंग करवानी होती है, इसलिए जो टीचर्स आते हैं वो प्रॉपरली, जो टीचर्स होते हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं और प्रॉपर एक चैनल के थ्रू उन टीचर्स को सेलेक्ट किया जाता है, तो काफ़ी फ़र्क होता है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। जितेंद्र जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में एडमिशन के बाद क्या लेकर के आना है? सिर्फ बच्चे के पर्सनल यूज़ के आइटम्स लेकर के आनी है, ठीक है जी, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी क्या क्या सामान लेकर के जाना है। जितेंद्र जी, आपको सिर्फ बच्चे के पर्सनल यूज़ का सामान लेकर के आना है, बाकी स्कूल में आपको बच्चे को बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा। एक पेरेंट्स का मैसेज, सैनिक स्कूल 9th क्लास का फॉर्म कब निकलेगा? अगस्त में निकलेगा, अगस्त 2021 में क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। तो सवाल ये आता है कि आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है बस, ठीक है जी, अगस्त 2021 में। रुचि त्रिवेदी जी, स्क्रीन के ऊपर 7419992928 इतना बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। लवजीत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, वीडियो को शुरू से देखो। जितेंद्र सिंह जी, पर्सनल यूज़ का सामान मतलब होता है जैसे बच्चे के घर के कपड़े, घर के जूते, ठीक है जी, अंडरगारमेंट्स वगैरह हो गया, ब्रश, कोलगेट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो पर्सनल यूज़ का सामान हो गया। बाकी जो बच्चे के स्कूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर के आना है, जब आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको प्रॉपर एक लिस्ट दी जाएगी, आप हमारी वेबसाइट पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज है, RMS का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होता है? RMS का एग्ज़ाम सेंटर जहाँ जहाँ कैंट है, जैसे चंडी मंदिर, अम्बाला, जम्मू, जहाँ जहाँ कैंट एरिया है वहाँ पे आपको RMS का एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। RMS के बहुत ही लिमिटेड एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ 16 एग्ज़ाम सेंटर हैं, ठीक है जी, जम्मू हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, नगरोटा हो गया, बहुत ही सेलेक्टेड एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के। एक पेरेंट्स का ये सवाल आता है कि सर
फॉर्म जो जो बच्चे हमारे स्कूल में तैयारी करते हैं 1 साल की, उनके हम 5 फॉर्म भरते हैं, ठीक है, 5,000 रुपये के 5 फॉर्म भरते हैं, एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म। तो फॉर्म भी हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। तो सवाल ये आता है कि सर आप कौन कौन सा पेपर दिलवाते हैं, जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी पेपर हैं जो हम नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि वो आपके स्टेट में होता है, आपके शहर में होता है, वो आपको ही दिलवाना पड़ता है, जैसे RIMC देहरादून, सेंट्रल हिंदू स्कूल, UP सैनिक स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय, ये आपके शहर में होता है तो आपको ही दिलवाना पड़ता है। अर्चना जी का मैसेज है, सर इस बार OMR चेंज होगा? क्या चेंज होगा, उसमें रोल नंबर ही आना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आना है, उसमें आपको OMR की आपको बुकलेट नंबर आपसे पूछा जाएगा, वही सेम चीजें होती हैं। लवजीत सिंह जी का मैसेज, सर जर्नल वालों के लिए स्कॉलरशिप है? बिल्कुल है जी, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो जर्नल वाला है, डिफेंस वाला है, SC ST है, जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा उन बच्चों को पूरे 1 साल जो तैयारी करने का मौका मिलेगा, सिर्फ 1,00,000 रुपए में तैयारी करवाई जाएगी, बहुत ही लो टिकट साइज है, सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हम तैयारी करवा रहे हैं, RIMC देहरादून में, जो सरकारी स्कूल है उससे भी कम फीस में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, मजेदार चीज है। नीलम जी का मैसेज, सर वी नीड टू सेलेक्ट ओनली 1 सैनिक स्कूल इन एप्लीकेशन फॉर्म। बिल्कुल जी, आप कोई भी एक फॉर्म, कोई भी एक फॉर्म एक सैनिक स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पेरेंट्स पूछते हैं कई बार कि सर बॉयज कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं और लड़कियां कौन कौन सा फॉर्म भर सकती हैं, तो जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ये सारे पेपर बॉयज भर सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल, RIMC देहरादून, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सेंट्रल हिंदू स्कूल, UP सैनिक स्कूल, ये सारे फॉर्म बॉयज भर सकते हैं, ठीक है जी, नवोदय विद्यालय, राय स्पोर्ट्स स्कूल। सर लड़कियां कौन कौन सा फॉर्म भर सकती हैं, तो लड़कियां भी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती हैं, चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म भर सकती हैं, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और राय स्पोर्ट्स स्कूल। तो अब लड़कियों के लिए भी काफी ऑप्शंस आ गई है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। लवजीत सिंह जी का मैसेज है, आर्मी स्कूल के लिए कौन सी बुक्स? देखिए जो हमने 15 बुक्स का सेट दिया है उसको इस तरीके से बनाया है कि आप अगर एक बार आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की बुक्स लेते हैं उसके बाद आप कोई भी पेपर दिलवा सकते हैं, कोई भी पेपर, ठीक है जी। हमारे स्कूल में NCC की ट्रेनिंग कंपलसरी है, तो अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं, अगर आपका मन है तैयारी करवाना चाहते हैं, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आइए, 1 बार 2 बार 3 बार आप स्कूल विजिट करो, फोटोज़ मैंने आपको सारी दिखा दी हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ईजी रहे, रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर हैं, ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला का फॉर्म भी ऑनलाइन निकल चुका है, 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे है और एग्ज़ाम सुबह 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक 2 घंटे का ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किया जाएगा। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, साथ के साथ रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और टॉप 100 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। फीस की बात करूं तो 1st से 3rd क्लास के बच्चों की जो फीस है वो 1,20,000 है, 4th से लेकर के 6th क्लास के बच्चों की फीस 1,40,000 है और 7th से लेकर के 12th क्लास के बच्चों की फीस 1,60,000 है। लेकिन अगर आप 31 जनवरी से पहले पहले स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में सिर्फ 1,00,000 रुपए में तैयारी करने का मौका मिलेगा। फॉर्म 1 फरवरी से ऑनलाइन निकल जाएंगे, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जो पेपर पैटर्न है 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का GK सेलेक्ट किया जाएगा। 1st से लेकर के 3rd क्लास के बच्चों का इंटरव्यू होगा, 4th से लेकर के 11th क्लास के बच्चों का रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कम से कम 75 नंबर आपको स्कोर करना है, तैयारी करना है। हमारे स्कूल में 500 बच्चों की कंप्यूटर की लैब है, जब भी आपके बच्चे आएंगे ऑनलाइन आपके बच्चों का टेस्ट होगा, साथ के साथ रिजल्ट आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, स्कॉलरशिप के बारे में कॉल करके जानकारी लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।